कौन सी कहानी है? अरे कहानी ये थी, रियल सिनेरियो में बताता हूँ, जो उबली हुई कहानी में बता एक रहा था। सत्य बात ये जरूर है कि हमारी गाड़ी ठुकी थी और हम भाई साहब बहुत पिटे भी थे, ठीक है। इसमें शर्म की बात थोड़ी ना होती, तुम भी तो पिटे होगे, और नहीं पिटे हो तो हरकतें सुधार ले, आगे पिट जाओगे। हाँ, लेकिन उसमें एक देखो रियल तड़का मैं बता रहा हूं, उसमें एक तड़का रियल है, ठीक है, कि एक्सीडेंट हुआ था और हम पिटे थे। ये बात तो सच है। देखो हर कहानी में एक रियल बेस तो होना चाहिए, ठीक है। तो हर सर ने, मैंने उसको बताया था कि कहानी कभी भी अगर आप बुनो तो एक रियल सिनेरियो उठाओ, उस रियल सिनेरियो के आसपास अपनी मनगढ़ंत चीजें लगाओ, मसालेदार बनाओ और मार्केट में फ्लूट करा लो, ठीक है। मैंने उसको बताया था, आरजेएच मसाला। हाँ, सबको नहीं मिलता बेटा ये, ठीक है। तो उसमें एक सत्य बात ये जरूर है कि हमारी गाड़ी ठुकी थी और हम भाई साहब बहुत पिटे भी थे, ठीक है, बहुत मारे गए थे भाई उस दिन, और हम तीन दोस्त थे, तीनों के तीनों पिटे थे। तीनों के तीनों पिटे थे। तो इसमें बुराई मानने वाली बात क्या है, पिटे थे तो पिटे थे, है ना भाई। देखो यही सारी चीजें तो याद आती हैं, बाद में हंसी आती है, नॉस्टैल्जिया में जीते हैं, ठीक है। जब भी हम तीनों दोस्त बैठते हैं तो हम तीनों एक दूसरे को देखते हैं, भाई साहब जो तेरे बाल नोचे थे ना, मजा आ गया था। चलो रे, कौन सी कहानी है? अरे कहानी ये थी, रियल सिनेरियो मैं बताता हूँ, जो उबली हुई कहानी मैं बता रहा हूँ क्या था, कि हम लोग कॉलेज में थे। तो कॉलेज में एक हमारे फ्रेंड सर्कल में एक दोस्त था जो धनबाद गई था, ठीक है, लोकलाइट था। तो उसके घर पे गाड़ी थी, तो हमने कहा भाई गाड़ी लिया घूमने चलते हैं, ठीक है, खाली बैठे हुए हैं। तो कहता चलो ठीक है। तो वो गाड़ी लेके आया, तो मैंने कहा, उस समय मैंने नई नई गाड़ी चलानी सीखी थी और घर पे सीखी थी, तो इतना ज्यादा हाथ साफ नहीं था। मैंने कहा भाई मैं चलाता हूँ, तो मैंने कहा कि ठीक है। उसके पास गाड़ी थी वो ऑल्टो, ठीक है। तो हम गाड़ी चला रहे हैं चला रहे हैं चला रहे हैं, फिर उसके बाद एक टर्न आया ऐसे अंधेरे में, ठीक है, और हमें लगा रोड सीधी जा रही होगी। वहां पे कुछ लोग खड़े थे, तो मैं बिल्कुल मस्त चला रहा हूँ, लेकिन मेरा हल्का सा अटेंशन हुआ कि यार ये टर्न यहाँ क्यों हो रहा है, रोड अचानक मुड़ गई। हम कह रहे यहाँ क्यों हो रहा है, तब तक देखे धड़ 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 आवाज आई, हम अचानक से ब्रेक मारे। तो भाई साहब उस समय तो मुझे भी पता लग गया था कि अब तो पिटना निश्चित है, तो मैं तो अपने हाथ ऐसे छोड़ दे, मैंने कहा भैया जितना मारना है मार लियो, क्योंकि अगर ये कॉलेज तक बात चली गई कि भाई आईएसएम के बच्चे ने एक्सीडेंट कर दिया है तो मेरे को रेस्टिगेट कर देते, है ना। उसी समय मैंने कहा भाई जितना मारना है मार लियो, आपको आराम से, हम खड़े हैं आराम से मार लियो। उन्होंने बहुत मारा भाई। उन्होंने बात को बिल्कुल लिटरली ले लिया। हाँ, मैंने कहा आपको मेरे को मारना है मेरे को मारो, प्लस दो अंदर और बैठे इनको भी निकाल के मार लियो। इन्होंने भी भड़काया मेरे को भाई साहब, उनको भी निकाला भीड़ ने, हमें भी निकाला भाई, बहुत मारा बहुत मारा। फिर जब मार मूर के सारी भीड़ चली गई तो हम गाड़ी को आगे ले गए, हम तारे देख रहे भाई गाड़ी पे डेंट नहीं आना चाहिए, हम पे चाहे कितने आ जाए, क्योंकि इसके पापा ने अगर देख लिया ना फिर तो हमारी भाई और ज्यादा पिटाई होने वाली है। तो हमने देखा गाड़ी पे कुछ नहीं आया था, ठीक है। फिर हम सब ने अपना थोड़ा सा बाहर गए, थोड़ा मूड वूड लाइट करा, फिर वापस। भाई ये सारी कहानियां दब गई और क्या है ना। हाँ ठीक है, आ जाओ, इसमें शर्म की बात थोड़ी ना होती, तुम भी तो पिटे होगे, और नहीं पिटे हो तो हरकतें सुधार ले, आगे पिट जाओगे। हाँ ओके, आ जाओ रे।